दोस्तों क्या हो अगर आपको बाल कटवाने पर जेल में डाल दिया जाए या कोई और छोटी गलती करने या फिर मान लीजिए कि सिर्फ एक मौके पर हंसने पर फांसी की सजा सुना दी जाए। अगर आपको ये सब मजाक लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अकेला वो देश है जहां पर इस तरह के कानून हैं और दुनिया यहां के सर्वोच्च नेता को तानाशाह किम जोंग उन के नाम से जानती है। आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानूनी कहानियां। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहां 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हां, ये सच है कि यहां 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहां के नागरिक तक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। नंबर टू, विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्में देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी दे दी जाती है, जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकता है। पोर्नोग्राफी बांटने से मौत की सजा भी हो सकती है। नंबर थ्री, ऐसी कोई भी चीज जो किम जोंग उनके परिवार का अपमान करता हो उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी यानी कि भगवान का तिरस्कार माना जाएगा। इसके तहत उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीरों को आग से बचाने की बजाय अपने बच्चों को बचाया, मात्र इसके लिए महिला को जेल की सजा दे दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाई तो इसके लिए भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया गया है। नंबर फोर, अगर किसी मीटिंग में जहां पर किम जोंग उन संबोधित कर रहे हैं वहां पर आप मौजूद हैं और आप अगर वहां सो गए तो उसके लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ह्योंग ह्योंग चोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से 100 लोगों के सामने मार दिया गया क्योंकि वो किम जोंग उनके एक कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। नंबर फाइव, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर यहां के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 106वां जुशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। नंबर सिक्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी के चलते ही रोज रात को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई जब अंतरिक्ष से नॉर्थ कोरिया की तस्वीर ली गई। नंबर सेवन, उत्तर कोरिया में धर्म की आजादी जैसी कोई चीज नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति और साहित्य यहाँ पर प्रतिबंधित है। अगर कोई बाइबल रखता है या लोगों में बांटता है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। 2014 में एक अमेरिकन को जेल की सजा हुई थी क्योंकि उसने एक रेस्टोरेंट में बाथरूम में गलती से अपना बाइबल छोड़ दिया था। नंबर एट, 8 जून 1994 को जब उत्तर कोरियाई प्रेसिडेंट किम सेकेंड सुंग की मौत हुई थी तब से लेकर अब तक हर साल उस तारीख को मुस्कुराना प्रतिबंधित है। इस दिन जोर से बात करना, शराब पीना और डांस मस्ती करना सब कुछ बैन है। जी हाँ, अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको या तो लेबर कैंप भेज दिया जा सकता है या आपकी जान भी ली जा सकती है। आज भी प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित है और यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को इसके आगे सर झुकाना अनिवार्य है। नंबर नाइन, यहाँ इंटरनेट की जगह खुद का इंट्रानेट है जिसे क्वांग मेयोंग कहा जाता है। इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था। व्यवसायिक जरूरतों के लिए केवल 28 वेबसाइट का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी सरकार की निगरानी में। दुनिया भर के देशों में उत्तर कोरियाई दूतावासों में वाईफाई के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। नंबर 10, 2013 में किम जोंग उन ने हेयर कट्स की पूरी एक लिस्ट जारी की थी। हर किसी को वैसे ही हेयर कट्स लेने के आदेश दिए गए थे। अपनी मर्जी से कोई भी हेयर कट तक नहीं ले सकता था। इनमें कुल 28 हेयर कट की लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें 18 हेयर कट महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए थे। दोस्तों, आपको इनमें से नॉर्थ कोरिया का सबसे ज्यादा चौंका देने वाला रूल कौन सा लगा, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज ज्ञानी फाइट को फॉलो भी कर लीजिएगा।